जो ये आपको दिखाई दे रही है डैम के बीचों बीच ये पहाड़ है, यहाँ पे आप लोग बोट के द्वारा जा सकते हैं और जाकर के वहाँ पे पिकनिक मना सकते हैं। फ्रेंड्स भाई कैसे आप लोग, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों को बता दूँ कि हम लोग जा रहे हैं सरवरों घूमने, वहाँ का ये मलाई डैम लोग मलाई डैम हम लोग प्लान नहीं बनाए थे कहाँ जाना नहीं आना ऐसा, बट अचानक क्या था हम मलाई डैम जा रहे हैं। जाने के बाद कहाँ कहाँ घूमते हैं वो मालूम नहीं है, जाने के बाद ही बताएंगे वहाँ का सीन कैसा होता है, दिखाएंगे आप लोगों को। ब्लॉग में तो आप लोगों को बता दो कि हम लोग आए हैं मलाई डैम घूमने, तो ये मलाई डैम है, मलाई डैम इसका एक और डैम है कठटिया डैम, इस जगह का नाम दो नाम है कठटिया डैम और मलाई डैम। तो देखिए यहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है और बोट चल रही है, मस्ती कर रहे लोग यहाँ पे, और यहाँ पे मछली ना बहुत ज़्यादा मछली मिलती है, तुरंत मार के मिलेगा, जैसा मछली चाहिए वैसा मछली मिल जाएगा, यानी मारने के बाद मिलेगा आपको जो चाहिए वो मिलेगी, ऐसा नहीं कि आप बोलिए कि वो मछली चाहिए तो वो मछली आपको तालाब से मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत ही बड़ा डैम है यहाँ पे, कभी पानी सूखता नहीं है यहाँ पे, हमेशा पानी रहती है गर्मी हो या बरसात हो। यहाँ पे पिकनिक के नाम से बहुत ही अच्छा स्थल है, यहाँ पे आप लोग आए और पिकनिक मनाए यहाँ पे, हम लोग पहले आ चुके हैं बहुत पहले, यहाँ के बारे में कुछ मालूम है और कुछ नहीं भी मालूम होगा, अगर ऐसा आप लोगों को मालूम होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा, यहाँ के लोग अगर यहाँ के आप लोग होंगे तो है ना, तो दिखाइए यहाँ का नज़ारा कैसा है, बहुत ही रोमांटिक मजा आ जाएगा भाई यहाँ पर पिकनिक मनाने। वाह बहुत सुंदर जगह, क्या बोट बोट आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे चल के मेरे और ये आ रही है बोट, देख सकते हैं आप लोग। ये देखिए घूमने का जगह बनाया जा रहा है, क्या बोलते हैं उसको ब्रिज ने भाई, ब्रिज बन रहा है। जो दोस्त है आशीष ये पूरा मस्ती कर रहा है बेचारा, सुबह से भूखे हैं, खाना नहीं खाया था, कहीं और हम लोग फंसे हुए थे कुछ कारणवश, बता नहीं सकते प्राइवेसी है, सूख गया है।